नमस्कार मित्रों, ईस्पेट वर्ड चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग शक्ति स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि को लेकर पूरे देश के भक्तों में उत्साह का माहौल रहता है। इस दौरान पूरी श्रद्धा और आस्था से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि की पूजन सामग्री में अगर 5 विशेष वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए तो माँ प्रसन्न होती है। तो आइए जानते हैं कि वे 5 वस्तुएं कौन सी हैं। लौंग एक बड़ा चमत्कारी मसाला है। देवी पूजन और तंत्र साधना में इसका विशेष प्रयोग होता है। मान्यता है कि माता की पूजा में लौंग के प्रयोग से सारी मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि में अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए रोज 2 लौंग अर्पित करनी चाहिए। अगर विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है तो शीघ्र विवाह के लिए नवरात्रि में देवी को 9 लौंग की माला अर्पित करें। ऐसा करने से माता की कृपा से विवाह में उत्पन्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर आप अपने विरोधी या शत्रु के षड्यंत्र से परेशान हैं तो नवरात्रि के दिनों में लौंग घिस कर देवी को तिलक करें। इसके बाद वही तिलक स्वयं को भी लगाएं। ऐसा करने से आपके शत्रु और विरोधी शांत हो जाएंगे। पान का पत्ता। पान के साबुत पत्ते से भी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। नवरात्रि में किसी भी दिन एक साबुत पान का पत्ता लें और अपनी मनोकामना कहते हुए पत्ते पर हीम लिख दें। अब इस पत्ते को दोनों हाथों में लेकर देवी को अर्पित करें। दशहरे के दिन इस पत्ते को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। माता रानी की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जायफल। बड़ी से बड़ी मुसीबत को टालने के लिए जायफल अचूक होता है। नवरात्रि में किसी भी दिन साबुत जायफल पर सिंदूर लगाकर देवी को अर्पित कर दें। इसके बाद रोग मुक्ति, मुकदमेबाजी या शत्रु शांति के लिए प्रार्थना करें। नवमी के दिन दोपहर में इस जायफल को काटकर 2 टुकड़े कर दें। दोनों टुकड़ों को बहते हुए जल में प्रवाहित करें। आपकी मनोकामना पूरी होगी। सिंदूर। सिंदूर भी बहुत चमत्कारी चीज है। विवाह और वैवाहिक मामलों में इसका अचूक प्रयोग होता है। अगर पुत्री का विवाह ना हो पा रहा हो तो नवरात्रि में उसे नित्य प्रातः देवी को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। अगर वैवाहिक जीवन में समस्या हो तो नित्य प्रातः देवी को सिंदूर लगाने के बाद स्वयं भी मांग भरें। नवरात्रि में देवी को सिंदूर जरूर अर्पित करें। इस सिंदूर को नियमित रूप से प्रयोग करें, लाभ होगा। नारियल। नारियल का देवी पूजन में विशेष महत्व है। नारियल के प्रयोग से पाप ग्रह शांत होते हैं, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में किसी भी रात को पानी वाला नारियल अपनी गोद में रखें। इसके बाद ओम दुर्गाय नमः का 108 बार जप करें। अगले दिन इस नारियल को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। तो मित्रों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और शेयर करना न भूलें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।